तेघरा थाना की वाहन चेकिंग दौरान की टीम के द्वारा बिना हेलमेट पहने युवक से लिया गया 500 रुपया, नहीं दिया गया प्राप्ति रसीद। सामान्य तौर पर कहें तो प्रत्येक न्यायिक कार्यवाही में जो उसका प्रतिफल होता है वह उसे आदेश फलक के रूप में दिया जाता है, चाहे वह चालान हो या फिर अन्य कोई आधिकारिक दस्तावेज हो। तस्वीर आज बरौनी फ्लैग से है, जहां तेघरा थाना की वाहन गश्ती की टीम वाहन जांच कर रही थी। ठीक उसी समय वहां से युवक जो स्थानीय पोर्टल में काम करता है वह गुजरा। वह हेलमेट नहीं पहने हुआ था, हेलमेट उसकी गाड़ी में थी। उस युवक से पुलिस ने 500 रुपया चालान के रूप में लिया, और जब उस युवक ने पुलिस पदाधिकारी से रसीद मांगा तो रसीद देने के बजाय वहां से पुलिस की गाड़ी निकल गई। हालांकि इस पूरे प्रकरण में अब उस युवक ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डॉक्टर रविंद्र मोहन प्रसाद से आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है कि जब उस युवक जो पोर्टल में काम करता है एक पत्रकार के रूप में, उसके साथ जब अन्याय हो सकता है तो आम लोगों के साथ क्या होता होगा। आइए उस युवक ने क्या कुछ कहा आपको भी सुनाते हैं। कल मैं क्षेत्र भ्रमण करके वापस घर लौट रहे थे, करीब 6:30 बजे के आसपास शाम को बरौनी फ्लैग गुमती पार करते वक्त सरस्वती मंदिर के पास तेघरा थाना का एक न्यू बोलेरो लगा हुआ था, तो सभी ने मुझे रोका और मैं रुक भी गया और बोले कि आप हेलमेट काहे नहीं लगाए। तो बोले ठीक है सर, हम हेलमेट भूल गए हैं गाड़ी में रखा हुआ है। तो बोले नहीं, 500 का आपका चालान कटेगा। बोले ठीक है सर, हम 500 रुपया दे रहे हैं, आप रसीद दे दीजिए। लेकिन रसीद नहीं दिए और चलते बने। कौन पैसा लिए थे आपसे? पैसा लिए थे दरोगा जी, जो थे ना एक पदाधिकारी होंगे, हम नहीं पहचाने। तो वो बोले जाने दीजिए, इनको पत्रकार है, जाने दीजिए। तो लेकिन वो चार वो जवान थे, वो बोले नहीं, पैसा भी लेके बिना लिए नहीं जाने देंगे। तो फिर मैंने दिया, तो बोला फिर सर बहुत कोशिश किए कि सर आप रसीद दीजिए, लेकिन रसीद नहीं दिए। बोले मतलब आपसे पैसा ले लिए, रसीद नहीं दिए जी। इसके बारे में आपने क्या किया? तो इसने कल शाम में ही सर को, SDPO सर को नोट सूचना दिए थे। सर बोले कल आइए, सूचना दिए, लिखित आवेदन दे दीजिए। आपने दे दिया जी। आपका नाम? रोहित बिहारी, बरौनी